किया हुआ है। हालांकि आश्वासन के बाद कर्मचारी फिलहाल तो मान गए हैं, लेकिन भुगतान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे चुके हैं। राजधानी जयपुर में हड़ताल पर सफाई कर्मी, वेतन की मांग को लेकर हड़ताल, डोर टू डोर कचरा संग्रहण हुआ बंद, बीवीजी कंपनी के कर्मचारियों ने किया काम का बहिष्कार, नगर निगम से अटका बीवीजी कंपनी का भुगतान, कंपनी के 85 करोड़ का भुगतान अटका, स्वच्छता अभियान पर जोरदार तमाचा। जयपुर में एक बार फिर से सफाई व्यवस्था का काम ठप हो गया। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम अटक गया। पिछले दो महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मियों ने काम का बहिष्कार कर दिया। पिछले एक हफ्ते में बीवीजी कर्मचारी दो बार सांकेतिक हड़ताल कर चुके हैं। हालांकि निगम प्रशासन आज कर्मचारियों को समझाने में कामयाब रहा। जो भी है पेमेंट के चक्कर से हो रखी है, अगर आज अगर हमारा पेमेंट अब भी आ जाएगा तो हम अभी निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हमारी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी, जब तक हमारा पेमेंट नहीं आएगा जब तक हड़ताल चलती रहेगी। हमारा यानी कि बच्चों का पालन पोषण करने के लिए हमको तो पैसा चाहिए। जो दुनिया की गंदगी उठा के हम लोग एक ये काम कर रहे हैं तो सर उसके अंदर भी ये 8,500 रुपए हमको सैलरी दी जाती है। 8,500 में क्या होता है सर? हमारी मांगे ये है कि हमारे जो सैलरी है वो नहीं मिलती और वेतन बढ़ा के दिया जाए। दो साल हो गए हमको काम करते हुए यहाँ पे, अगले महीने में बढ़ाएंगे, पिछले महीने में बढ़ाएंगे, ऐसे करते करते कोई सुनता नहीं है। अब तो सैलरी तक भी अटक गई और हमारे अधिकारी कहते हैं आचार संहिता लगी हुई है या लाउडी जी ने साइन नहीं किए, वो नहीं किया, ये नहीं किया वगैरह वगैरह। हम तो समझते नहीं सर, हम तो अंगूठा चाहते सब, तभी आज ये काम कर रहे हैं। सफाई कर्मियों की व्यवस्था देख रही बीवीजी कंपनी का कहना है कि नगर निगम प्रशासन ने पिछले एक साल से 85 करोड़ रुपए के बिल रोक रखे हैं। ऐसे में कंपनी को भुगतान नहीं होने पर कंपनी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाती है। निगम प्रशासन ने सोमवार तक कंपनी को बिल पास करने का आश्वासन दिया है। जयपुर में सफाई कर्मियों के वेतन की मांग को लेकर काम बहिष्कार आम बात हो गई है, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। स्मार्ट सिटी में शामिल जयपुर के निगम प्रशासक स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 10 शहरों में होने का दावा करते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था को लेकर जिस तरह निगम प्रशासन लापरवाह दिखाई पड़ता है उससे सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। रोशन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।